स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मंडी परिषद का जो फॉर्म आया था उसके सिलेबस बुक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त में सिलेबस देखते हैं कि जो पेपर होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। जो लिखित परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ पोस्ट में कंप्यूटर टेस्ट या टंकर मांगा है, स्टेनोग्राफी मांगा है, उसकी बात नहीं। जो सामान था जैसे मंडी निरीक्षक पद था वो सामान्य ग्रेजुएशन केवल मांगा था और कुछ नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें 4 पार्टों में बटा होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 4 पार्ट में बटा होगा। पहला पार्ट होगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। सामान्य ज्ञान आएगा, 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित होगा, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। सामान्य हिंदी होगी, 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दें, यहां पे नॉर्मल बता देते हैं फिर आगे डिटेल में चलते हैं सिलेबस के। सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए आप आर्यांत की बुक ले सकते हैं और जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। मेरी बात एकदम ध्यान से रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी के जितने पेपर हुए हैं उनको एकदम चाट जाइएगा, अच्छे से पढ़ जाइएगा और अरिहंत की एक अच्छी बुक लेके सामान्य बुद्धि परीक्षण आप तैयार कर सकते हैं और 50 में 45 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के लिए आपको बहुत कम समय बचा है, जैसा कि पेपर मार्च में होने की संभावना है, फरवरी लास्ट से मार्च में होने की संभावना है, इसलिए आपको बता दें सामान्य ज्ञान के लिए आप लूसेंट ले लीजिएगा और लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, बस दोनों पढ़ डालिए, उसके बाद किसी की बुक की जरूरत आपको नहीं है। हालांकि करंट अफेयर के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी, 6 महीने की करंट अफेयर, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, लूसेंट विज्ञान वाली पढ़िएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन के आसपास विज्ञान के स्पेशली आएंगे, तो सामान्य विज्ञान की एक लूसेंट अलग से आती है वो आप लेके पढ़ लीजिएगा। अंकगणित के लिए आप आर्यस अग्रवाल पढ़ सकते हैं या आर्यंत की ले सकते हैं। सामान्य हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन या तो पीएन पांडे पढ़िए। चलिए आप सिलेबस को अच्छे से विस्तार से देखते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना, इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, 50% होगी, यानी 2 प्रश्न गलत होने पर आपके 1 सही प्रश्न काट दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। यानी अगर आप 3 प्रश्न करते हैं और आपके 2 प्रश्न गलत हैं तो आपके 0 नंबर होंगे। चलिए सिलेबस की तरफ चलते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण में युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक योग्यता होगी। सामान्य मानसिक योग्यता ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके। सांख्यिकी विश्लेषण ग्राफ डायग्राम मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन DI भी आएगा, ग्राफी होगा, डायग्राम संबंधित होगा, ये सब चीजें होंगे, ठीक है। अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आप देखिए क्या पॉइंट आ रहा है, इस हिसाब से हम आपको बुक बताते चलेंगे। कंप्यूटर ज्ञान आएगा, कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल। कंप्यूटर के लिए लूसेंट की पतली वाली बुक आती है, ले सकते हैं आप, या बहुत सारी छोटी छोटी बुकें आती हैं, किसी का भी आप ले सकते हैं, या ट्रिपल सी आपने किया ही होगा तो आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट शिक्षा, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कला, इन सब के लिए आप माड़ी पब्लिकेशन की उत्तर प्रदेश की बुक ले लीजिएगा। आप पतली वाली लीजिएगा, मोटी वाली की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अंता व्यक्तिक क्षमता, संप्रेषण कौशल, निर्णयन क्षमता, समस्या समाधान भी समाहित होगा। तो इसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा पॉइंट तीन के लिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता। इसके लिए सबसे अच्छी है टाटा मैग्रा हिल की बुक। अगर आप बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो UPPCS CSAT की घटना चक्र की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, अगर किसी के पास होगी पुरानी तो भी चल जाएगा। सामान्य मानव व्यवहार, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व एवं महिलाओं का सशक्तिकरण, इसके लिए भी उसी के अंदर चला जाएगा, उसी बुक में दिया होगा। जो आप निर्णय क्षमता के लिए लेंगे, संप्रेषण कौशल के लिए लेंगे, उसमें दिया होगा। भारत इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन,
पहला मैंने बताया है कि आप लूसेंट पढ़िए, अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप एस के पांडे पढ़ सकते हैं। भारत एवं विश्व को भूगोल के लिए अगर आप अलग पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट अगर पढ़ते हैं तो टाइम लूसेंट का ही है, वही पढ़िएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल के लिए आप महेश अग्रवाल पढ़िए। राजनीति शास्त्र के लिए आप बाड़ी पढ़ लीजिएगा या कोई भी पतली बुक पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़िए, वैसे मेरे हिसाब से लूसेंट पर्याप्त है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास एवं गांधी विचारधारा के लिए आप किसी का नोट्स ले लीजिएगा, रमेश सिंह पढ़ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए केवल आप लूसेंट के अर्थव्यवस्था को पढ़िएगा और करंट अफेयर से उसको जोड़ लीजिएगा बस। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, इसके लिए आप पतली वाली क्रॉनिकल ले सकते हैं, निर्देशक.com पे जा सकते हैं। कृषि के लिए आप बाड़ी पढ़ सकते हैं या मैं अभी 400-500 क्वेश्चन कृषि के अपलोड करूंगा, वही पढ़ लीजिएगा, सही हो जाए। मेरा हिसाब से कुल कहने का मेरा ये मतलब है कि सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट दो लेना है आपको, एक कंप्यूटर वाली, एक सामान्य लूसेंट, बाकी ऑब्जेक्टिव लूसेंट लेके सॉल्व कर लेना है बस, आपको कुछ नहीं करना है फालतू ज्यादा बुक के चक्कर में ना पढ़ के, एक ही बुक लूसेंट को बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे। चलिए सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के लिए मैंने पहले ही बताया सामान्य विज्ञान की एक अलग लूसेंट आती है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, वही पढ़ेंगे जिसमें आपको सारे क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। प्रारंभिक गणित आर्यश अग्रवाल या प्रारंभिक गणित करके अरिहंत की आती है, वो पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए देखिए, हिंदी में अपठित गद्यांश होगा, संप्रेषण होगा, इसके लिए आप बुक पीएन पांडे ही पढ़िए या तो आदित्य। शासकीय और शासकीय पत्र के लिए, पत्र के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन के लीजिएगा या तो हरदेव बारी का। बाकी वर्ण एवं ध्वनि विचार, शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, इन सब के लिए आप पीएन पांडे या तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूं, जीएस के लिए आप केवल और केवल लूसेंट प्रेफर करिएगा, ऑब्जेक्टिव और जो लूसेंट आती है मेन, और साइंस के लिए आप साइंस वाली लूसेंट ले लीजिएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए एग्जाम की जानकारी, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो आपका मार्च के आसपास हो जाएगा, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में। तो चलिए, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरा फोन नंबर है 9919 8299918, स्पेशल क्लासेस कपूरथला लखनऊ।